आज हम देखेंगे क्लास 9 और उसका 1.5 लेसन द नेकलेस। तो ये लेसन का हमने जो पार्ट 1 है उसका वीडियो मैंने बना दिया है क्वेश्चन आंसर का, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं आज इसका पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊंगा, तो चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। तो ये रहा पार्ट 2। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट एफर्ट्स डिड लुइसल मेक टू फाइंड द नेकलेस। इसका आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये जो नॉट द एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज इम्प्लाइड इन अ होलो पेल फिगर, इन दोनों का आंसर साथ में है और एक ही पार्ट में है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, व्हाट वॉज द अरेंजमेंट विद द ज्वेलर, डू यू थिंक इट वॉज फेयर। इसका भी आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Why did Madam Forestier speak coldly to Mathilde? इसका आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। What is meant by the horrible life of the very poor? इसका भी आंसर आपके सामने है। What contrast is implied by the use of the word still? इन स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। इसका भी आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई डिड मैथिल्ड डिसाइड टू स्पीक टू हर फ्रेंड। इसका भी आंसर आपके सामने है। Who do you think was responsible for Mathilde's misery? Was it her friend, she herself, her husband or the circumstances? इसका भी आंसर आपके सामने है। अब हम इंग्लिश वर्कशॉप पे आते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपको यहाँ पे जो टेबल दिख रहा है, इसका आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट व्हाट यू थिंक अबाउट द फॉलोइंग थॉट्स एंड एक्शन ऑफ द मेथड। तो इसमें जो पहला ए और बी, इन दोनों का आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सी और डी, इन दोनों का आंसर आपके सामने है। EF, इसका भी आंसर आपके सामने है। GH, इसका भी आंसर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये डिस्कस है, ये आपको खुद से करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देता हूँ। Imagine what must have happened after Mathilde's friend discovered that the diamonds were real. Do you think she would return the necklace to Mathilde? Would that make Mathilde happy? इसका आंसर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द फॉलोइंग एंड राइट अबाउट ईच इन योर ओन वर्ड इन 5 to 6 लाइन्स। इसका ए, वॉट वुड यू डू इफ समथिंग लाइक दिस हैपन टू यू। इसका आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी, वॉट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट मैथिल्ड हस्बैंड फ्रॉम अ स्टोरी। इसका भी आंसर आपके सामने है। सी, Which event in the story part 1 and part 2 changed Mathilde's life? इसका भी आंसर आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह हमने ये चैप्टर पार्ट 1 पार्ट 2 इन दोनों का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।